पांच साल में चौथी बार राहुल गांधी अमेठी गए। जानते हैं कितनी देर रुके, क्या बोले, फिर कहां चले गए? राहुल गांधी से पहले ही अमेठी कौन पहुंच गया? राहुल के अमेठी में किसने घर बना लिया? आज अमेठी में ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा रायबरेली और सुल्तानपुर में तो हो ही रही है, नई दिल्ली में उससे ज्यादा चर्चा हो रही है। आज की अमेठी की रिपोर्ट आप खुद ही देखिए। राहुल गांधी 24 महीने बाद अमेठी आए, वो भी 24 घंटे से कम वक्त के लिए। तो स्मृति ईरानी ने इस दौरे की व्याख्या कुछ ऐसे की। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से, जो छोड़ गए और छूट गए वो तब नजर आते हैं जब चुनाव होता है। तो जैसे बरसात में कुछ प्राणी नजर आते हैं, उसी प्रकार से वो भी जब वोटों की बरसात की उन्हें अपेक्षा होती है तब नजर आते हैं। लेकिन आज छाता मिलते छुपाए नहीं जा रहा था ये आक्रोश जनता का कि जब वो आए तो सूनी सड़कों ने उनका स्वागत किया। जहां पर साल 2019 में मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं लड़ी थी, मैं एक ऐसे प्रत्याशी से लड़ी थी जिसने सपा और बसपा दोनों का सहयोग लिया। जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा? स्मृति ईरानी ने तंज के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसमें अमेठी से बेरुखी, कुछ लम्हे बिताकर गुजर गए, जो छोड़ गए वो छूट गए, वोटों की बरसात, पैतृक सीट जैसे शब्दों को क्यों शामिल किया, ये समझाने के लिए आपको आज राहुल गांधी के भाषण की बारीकियां बताएंगे। पहले राहुल की सभा में आई भीड़ पर नजर डालें, आधे से ज्यादा तस्वीर खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। ये क्या व्यवस्था थी कि सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से अपने कार्यकर्ताओं को लाना पड़ा? इसका मतलब कि अमेठी में कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद उनके स्वागत के लिए गली गली उपस्थित नहीं था। अब राहुल गांधी के अमेठी के भाषण के बारे में जान लीजिए। 24 महीने बाद अमेठी आए राहुल ने कुल 24.5 मिनट भाषण दिया। अपने संबोधन के शुरुआती 7.5 मिनट राहुल गांधी मणिपुर हिंसा, वाराणसी और पेपर लीक मुद्दे पर 2.5 मिनट बोले। 24.5 मिनट के भाषण में से 7.5 और 2.5 मिनट हटा दें तो कुल 14.5 मिनट बचते। आपको इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना, आपने सुबह एक सवाल पूछना है। ये सोने की चिड़िया है, इसने अदानी को इतना पैसा दिया, आज सुबह इसने मुझे कितना दिया, यही सवाल पूछना आपको। लोग सोच रहे थे कि राहुल आए हैं, शायद अमेठी से चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो अपना विजन रखेंगे, दुख दर्द साझा करेंगे। लेकिन 10 मिनट के भाषण के बाद राहुल अखिलेश के पीडीए से अलग होने वाले पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और आदिवासी पर आ गए। भाषण का केंद्र जातिगत जनगणना बन गया। पिछड़ा, दलित और आदिवासी यानी जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी शुरुआत में 9 मिनट और उसके बाद 2 मिनट यानी कुल 11 मिनट बोले। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी 2 मिनट बोले। राम मंदिर को राहुल ने अपनी स्पीच में 1 मिनट दिया, यानी कुल राहुल गांधी 11 मिनट जातिगत जनगणना, 2 मिनट किसान और 1 मिनट राम मंदिर पर बोले। कुल जोड़े तो 14 मिनट हो जाता है। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? देखा ना, धूमधाम से हुआ, देखा ना? उसमें आपने किसी दलित को देखा? किसी वहां पर किसान का चेहरा देखा, मजदूर का देखा, पिछड़े वर्ग के आपने लोग देखे वहां पे? नहीं। अदानी देखा? उसके बच्चे देखे? अंबानी देखा? उसके बच्चे देखे? सारे बिजनेस वाले देखे? नरेंद्र मोदी देखे? अमिताभ बच्चन दिखा? ऐश्वर्या राय देखी? अमेठी में 24 महीने बाद आए राहुल के 24.5 मिनट के पूरे भाषण का आप कैलकुलेशन कर लीजिए। मणिपुर हिंसा 7.5 मिनट, वाराणसी पेपर लीक 2.5 मिनट, पिछड़ा, दलित, आदिवासी 11 मिनट, किसान 2 मिनट, राम मंदिर पर 1 मिनट,
यानी कुल 24 मिनट। इसे 24.5 मिनट में से 24 हटा दे तो बचता है 30 सेकंड। जी हाँ, 30 सेकंड। और इस 30 सेकंड में से 15 सेकंड राहुल गांधी ने अमेठी की जनता को कैसे समर्पित किया, सुन लीजिए। 24 महीने बाद राहुल गांधी अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में आए तो सोचिए उसके बारे में कितनी देर बात की होगी। अंदाजा लगाइए, राहुल के भाषण में से दूसरे मुद्दे हटा दें तो 30 सेकंड बचते हैं और राहुल ने अमेठी के लिए इस 30 में से 15 सेकंड का वक्त दिया। महज 15 सेकंड में उन्होंने अमेठी से पुराना रिश्ता भी याद कर लिया और धन्यवाद भी दे दिया। हम आपकी स्वागत कर रहे हैं, अमेठी आया हूं, इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पुराना रिश्ता है हमारा, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। दो विधानसभा चुनाव से कांग्रेस अमेठी की सभी 5 विधानसभा सीटों पर हार रही है। कार्यकर्ताओं के ही नहीं राजनीतिक पंडितों को भी उम्मीद थी कि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे, अपने भाषण से संगठन को नई ऊर्जा देने की कोशिश करेंगे, खुद चुनाव लड़े या न लड़े लेकिन पार्टी प्रत्याशियों के लिए माहौल तैयार करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने पूरे भाषण में कार्यकर्ताओं या संगठन का जिक्र तक नहीं किया। ऊर्जा भरने वाला विजन और शब्द गायब दिखे। राहुल ने अमेठी शब्द का इस्तेमाल ही कुल 3 बार किया। आप सोच रहे होंगे कि ना कार्यकर्ताओं की बात की, ना चुनाव की, ना अमेठी पर बात हुई, ना वोट पर, तो राहुल आखिर किस पर बात किए? राहुल ने जिन शब्दों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया उनमें नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, अंबानी, अदाणी, पाकिस्तान, चीन जैसे शब्द रहे। इनका हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं, तुम बात नहीं समझे, सोए हुए हो, तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं, तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, उनका काम प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ने का, उनका काम मजे लेने का। उधर देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो गया, ओ भैया उधर देखो अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा, ओ देखो भैया ओ प्रियंका चोपड़ा नाच रही है, करते जाओ भैया करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो, भूखे मर जाओगे, सब भूखे मर जाओगे, सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाओगे। जैसे किसी को चोट लगती है पहला काम, आज हमारा सिक्योरिटी वाला बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसका पैर नीचे आ गया, हमने पहला काम किया भैया जाके एक्सरे कराओ, पहला काम एक्सरे मतलब जाति जनगणना। राहुल गांधी 2019 में कांग्रेस का परंपरागत गढ़ गंवा चुके हैं। माना जा रहा था कि वो 24 की लड़ाई के लिए नया ग्राउंड तैयार करेंगे, नई पिच तैयार करेंगे, लेकिन ऐसा दिखा नहीं।